बारिश बर्फबारी से बड़ी दुश्वारियां, शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई है। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। सोमवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 4 नेशनल हाईवे सहित 654 सड़कें यातायात के लिए बाधित थी। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 290 और शिमला में 166 सड़कें बाधित है। वहीं राज्य में 1655 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। 145 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। कुल्लू, चंबा, लाहौल, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, मंडी के बर्फबारी वाले इलाकों में विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाएं देना चुनौती बन गया है। मौसम विभाग केंद्र ने 4-5 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर बारिश बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 8 से 9 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला व अन्य भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। चंबा खजियार मार्ग पर दरकी पहाड़ी, चंबा खजियार मार्ग पर गजनुई के पास भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बाधित हो गया है। पहाड़ी दरकने से सड़क पर टनों के हिसाब से गिरे मलबे और चट्टानों के चलते पैदल भी राहगीर की आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्षेत्र की दर्जन भर पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। तो वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची विभागीय टीमें मार्ग को बहाल करने के काम में जुट गई है।